मेरे पास एक Redmi Note 8 का डिब्बा है और एक OnePlus 7 का डिब्बा है। OnePlus 7 के विनर का अनाउंसमेंट करना है और Redmi Note 8 का गिव अवे करना है, मतलब ये फोन आपका। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने OnePlus 7 का गिव अवे किया था, उस वीडियो पे आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि उस गिव अवे का विनर कौन है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो इस वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा कि गिव अवे का विनर कौन है। और साथ ही फिर से एक नया फोन Redmi Note 8 जो प्रेजेंटली अपने हाईली डेवलप्ड फीचर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिमांडिंग चल रहा है, उसका गिव अवे भी है। तो गिव अवे जीतने के लिए आपको 3 स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप, ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, और बाकी के 2 स्टेप जब आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो उसके बीच में आपको पता चलेगा कि बाकी के 2 स्टेप्स कौन से हैं। सो वेलकम टू द चैनल एवरीवन, उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सेहत उससे भी ज्यादा अच्छी होगी। तो इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने से पहले मुझे पिछले गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हैं उनका जवाब भी देना है। तो पिछले गिव अवे के विनर है हमारे निखिल मिश्रा जी, जो दरखान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैंने प्रोडक्ट में स्पीड पोस्ट कर दिया है और इस चीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब निखिल मिश्रा जी की तरफ से मुझे रिसीव कंफर्मेशन आ जाएगा। तो पिछला गिव अवे हमारा हो गया है, उसे हम किनारे रखते हैं और शिफ्ट होते हैं हम अपने आज के विषय पे। तो पहला क्वेश्चन है जेरम बैसुमैथी जी की तरफ से, शुड आई बाय रिन्यूड OnePlus 7? तो मैं आपसे सिंपली कहूंगा इट्स अ वेरी गुड डील। अगर आपको सिर्फ OnePlus 7 चाहिए और आपको OnePlus 7 से बेइंतहा मोहब्बत है और अपने जेब में कोई फोन चाहिए तो OnePlus 7 ही होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने नए OnePlus 7 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बंद कर दिया है और रिन्यूड OnePlus 7 आ रहा है आपका 26,999 का। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो 6,000 एक्स्ट्रा लगा के उसका अपडेटेड वर्जन OnePlus 70 और वो भी नया आप खरीद सकते हो। बट अगर आप रिन्यूड OnePlus 7 खरीदना चाहते हो देन डू इट्स अ वेरी गुड डील। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दीपक मुशायरी जी की तरफ से, ब्रो शुड आई बाय रिन्यूड पोको F1 ऑन Amazon? जी मैं कहूंगा इट्स अ वेरी गुड डील, क्योंकि आपको सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, 10 डेज रिप्लेसमेंट, 6 महीने की वारंटी। तो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है Amazon को वापस करो, उनके मुंह पे मारो भाई, आपने पैसे लगाए तो आपको अच्छा प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। और OnePlus 7 और पोको F1 के प्राइस में बहुत अंतर आ जा रहा है। OnePlus 7 रिन्यूड आपको 27,000 का मिल रहा है, पोको F1 रिन्यूड आपको 12,500 का मिल रहा है। पोको F1 बहुत ही अच्छा फोन है, अच्छे फीचर से लोडेड और खासतौर से आपके बजट में भी आ रहा है। तो फोन आपको ब्लाइंडली नहीं लेना है, पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है, दूसरा आपको अपने फीचर्स डिसाइड करने हैं, और इन दोनों फैक्टर्स को मिला के आपको एक बहुत ही अच्छा सा फोन लेना है। तो मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, पर इन दो कमेंट्स को स्पेशली इसलिए चुना क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो उम्मीद करता हूं इन दो कमेंट्स के आंसर की वजह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, पर अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे जाओ कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो कमेंट से याद आता है हमारा दूसरा स्टेप। तो अगर आपको गिव अवे जीतना है तो दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है आपको अपना नाम और साथ ही सिटी नेम नीचे कमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बिल्कुल भी नहीं है, बीच में जिसने कमेंट किया वो भी जीत सकता है और लास्ट में जिसने कमेंट किया वो भी जीत सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने रिन्यूड Redmi Note 8 जिसे Xiaomi ने लॉन्च किया था उसकी अनबॉक्सिंग करने। So this is Redmi Note 8 Moonlight White 64GB internal 4GB RAM, a very beautiful phone जिसकी डिमांड आजकल एवरेज रेंज फोन्स में मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है। तो आइए बॉक्स को खोलते हैं, फोन को पहले किनारे रखते हैं और बात करते हैं एक्सेसरीज की, हमारा बॉक्स क्या कंटेन करता है और किस कंडीशन में कंटेन करता है। तो पहली एक्सेसरी जो हमारा बॉक्स कंटेन करता है वो है ये चार्जर। हमारे चार्जर पे MI का लोगो और साइन दोनों ही बना पड़ा है, मतलब हमारा चार्जर ओरिजिनल है और साथ ही बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यस, दूसरा एक्सेसरी जो हमारा बॉक्स कंटेन करता है वो है ये अडैप्टर, सी टाइप अडैप्टर है जो आजकल मैक्सिमम फोन्स में लग रहा है। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने OnePlus 7 की अनबॉक्सिंग की थी उसमें भी सी टाइप अडैप्टर थे, उसमें हमारे अडैप्टर बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे और इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़े एडजस्ट करके रखे गए हैं, पर कोई नहीं, अडैप्टर हमारा ओरिजिनल है और बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। मतलब हमारे पहले दो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज चार्जर और अडैप्टर दोनों ओरिजिनल है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जो रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीदते हैं टू गुड जो फ्लिपकार्ट की एक साइट है दोनों, उसमें उनको वो प्रॉब्लम होती है कि उनको चार्जर और अडैप्टर डुप्लीकेट और फेक मिल जाते हैं। मगर अगर आप अमेजोन से खरीदते हो चार्जर और अडैप्टर बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, इसकी जो हम बॉक्स में सबसे ऊपर रखी थी, तो ये कंटेन करता है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, पर मुझे थोड़े इसमें दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, मतलब लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब तीन एक्सेसरीज हमारी चार्जर अडैप्टर और बैक कवर तीनों अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे कंडीशन में, और चौथी एक्सेसरीज है हमारी ये सिम इजेक्टर पिन। मतलब हमारे चार बेसिक एक्सेसरीज चार्जर अडैप्टर बैक कवर सिम इजेक्टर पिन सबके सब ओरिजिनल है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में और साथ ही वर्थ वाइल परचेजिंग है। तो हमने जान लिया कि बॉक्स के अंदर हमारे क्या एक्सेसरीज थी और किस कंडीशन में थी। तो अब चलते हैं अपनी फोन की तरफ। So as you guys can see there are no scratches neither on the front nor on the back surface of the phone। अब बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें 48 megapixel all quad कैमरा है अलग से दिया गया और साथ ही
13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बात करें इसके बैटरी की तो बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh की है। फाइनली फोन को बूट करके देखते हैं। तो फाइनली फोन हमारा बूट हो चुका है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा तेज है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या दूं, आप पहले से ही टेक्निकल गुरुजी को देखते होंगे। तो चलिए कुछ कैमरा शॉट्स मैं आपको दिखाता हूं जो कम्प्लीटली मैंने इसी फोन से लिए हैं। फाइनली फोन की अनबॉक्सिंग हो गई। बॉक्स के अंदर एक्सेसरीज कैसी थी और फोन कैसा था, ये मैंने आपको बता लिया। अब बात करते हैं अपने गिव अवे के लिए, जिसके लिए आप थोड़े से एक्साइटेड तो जरूर होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने पहले दो स्टेप फॉलो जरूर किए होंगे। पहला स्टेप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और दूसरा स्टेप आपने अपना नेम और सिटी नेम नीचे कमेंट कर दिया होगा। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्टेप की, जिसे फॉलो करके आप ये फोन जीत सकते हैं। तो तीसरा स्टेप है जहां पे आपने अपना नेम और सिटी नेम कमेंट किया, उसके नीचे किसी भी 5 लोगों से, आपके दोस्त, मम्मी पापा या आपका दूसरा अकाउंट हो सकता है, उसके नीचे आपको अपना नाम कंफर्मेशन के लिए कमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका नाम राहुल है और आप दिल्ली में रहते हो, आपने ये कमेंट किया नीचे, और आपका दोस्त साहिल है, तो उसको नीचे राहुल कमेंट करना होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये कमेंट आप ही ने किया है और बाकी का प्रोसीजर फॉलो हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाए, आप ये प्रोडक्ट जीतो। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मैश इट, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन रिमेन हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, डू व्हाटएवर यू वांट, लर्न न्यू थिंग्स, मुस्कुराते रहिए, और डिंपल हैं तो दिखाते रहिए है।